हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम अरवी के पत्ते की चटपटेदार चटनी बनाने वाले हैं, जो आप चाहे तो रोटी से या पकौड़ी से किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। ये बाकी हरी सब्जियों से भी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में, वज़न कम करने में और डाइजेशन में भी बहुत हेल्प करता है। तो जानते हैं कैसे बनती है ये चटनी। तो इस चटनी को बनाने के लिए यहाँ मैंने 10-12 अरवी के पत्ते ले लिए थे। इसे मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया। तो इसके डंठल को हम कट कर लेंगे नाइफ की हेल्प से। सारे डंठल कट कर लेंगे। सारे डंडियों को कट करने के बाद हमें इसे बॉईल करना है। तो बॉईल करने के लिए हमने आधा पतीली पानी ले लिया है। इसमें हमें कुछ भी नहीं डालना है, बस पत्ते को डाल के बॉईल कर लेना है जब तक कि ये सॉफ्ट ना हो जाए। तो इस पत्ते को इसमें डाल लेंगे और अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। तो अब इस चटनी को चटपटा बनाने के लिए यहाँ मैंने 15 से 20 लहसुन की कलियाँ ली हैं और 4 लाल मिर्च खड़ी ली है। तो इसे हम रोस्ट कर लेंगे अच्छी तरह से। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इसे हमने रोस्ट कर लिया, अब इसे ठंडा कर लेते हैं। तो यहाँ पत्ते भी अच्छी तरह से बॉयल हो चुके हैं, सॉफ्ट हो गए हैं, तो इन्हें भी निकाल लेते हैं हम। पत्तों को निकालने के बाद ठंडा कर लेना है, उसके बाद ही हम इसे ग्राइंड करेंगे चटनी बनाने के लिए। तो अब हम मिक्सी जार में लहसुन की कलियाँ और लाल मिर्च डाल लेंगे। इसके बाद जो अरवी पत्ते ठंडे हो गए थे बॉईल करके, वो डाल लेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे बिल्कुल पेस्ट, फाइन पेस्ट में। तो ये ग्राइंड हो गया है बिल्कुल अच्छी तरह से। अब इसमें ऐड करेंगे 5 से 6 लहसुन की कलियाँ बारीक कटी हुई, 2 टेबलस्पून सरसों के तेल, आमचूर 1 टेबलस्पून, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही जल्दी ये चटनी बन के तैयार होती है। बहुत ही आसान है इसे बनाना और बहुत फ़ायदेमंद भी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये नई रेसिपी पसंद आई होगी। तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।